हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि मैंने आपके कल के वीडियो में बताया था कि हम आज रोटेशन पढ़ने वाले हैं। किसका? डाइस का रोटेशन। किसका रोटेशन? डाइस का रोटेशन। और अगर आपने डाइस का रोटेशन समझ लिया तो आपकी डाइस पर पूरी तरीके से पकड़ बन जाएगी, रोटेशन ऑफ डाइस। ठीक, हमें रोटेशन समझना है डाइस का, कैसे कैसे रोटेशन हम करते हैं डाइस का। ओके, तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, बनाया एक डाइस, ये डाइस मैंने बनाया। ठीक, चलिए इस डाइस को बनाने के बाद मैं बता दूं आपको कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज यानी कि कैसे होता है क्लॉकवाइज? इस तरह होता है। ठीक, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे हम इसमें? आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे क्लॉकवाइज जैसे कि मैं अभी तक करते चला आ रहा था। ठीक, किसकी बात करते चला आ रहा था? मैं क्लॉकवाइज की बात करते चला आ रहा था पिछले। आप अगर डाइस की वीडियो देखेंगे तो मैं ज्यादातर क्लॉकवाइज का ही प्रयोग करता रहा हूं। ठीक, इसके बाद इसमें समझना क्या है हमें, आखिरकार क्या है रोटेशन ऑफ डाइस? हमें ये समझना है इसमें कि हम इसको कितने प्रकार से रोटेट कराते हैं, कैसे रोटेट कराते हैं। कैसे मतलब कि अगर हम बात की जाए कि 5 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, क्या क्या कहा मैंने? 4 से क्या क्या कहा? 4, 5 और 3, 4, 5 और 3। अगर हम मैं पूछूं आपसे कि 4 और 5 इसके बाद क्या आएगा, 4 और 5 इसके बाद क्या आएगा, तो आपको बताना है कि इसके बाद आएगा आपका 3। कैसे? 4, 5 और फिर क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। ये है रोटेशन क्लॉकवाइज। ओके, इसके बाद मान लीजिए इनको छोड़िए, इसको छोड़िए, अब हम रोटेशन किन फलकों का कराते हैं? रोटेशन हम किन फलकों का रोटेशन हम कराते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, हम रोटेशन उन फलकों को कराते हैं जो एक दूसरे के बगल में है। किनका? जो एक दूसरे के बगल में है, और सही रोटेशन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि 3, 4, 1 ऐसे करा दे रोटेशन। नहीं, हम कराएंगे अगर तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, या 5 से 3, 3 से 4, 4 से 5, या 3 से 4, 4 से 5, या हम कह सकते हैं 4 से 5, 5 से 3। ठीक, इसी तरीके कराते हैं। हम ऐसा नहीं करा सकते कि 4 से 3, 3 से 5, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। या हम कह दें कि 3 से 5 फिर 4, ये भी गलत हो जाएगा। हम कराएं कैसे? 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 3, इस तरह से कराते हैं। ठीक, फिर कराते हैं। देखिए, 3 से 5, 5 से 2 और 2 से 3, 3 से 5, 3, फिर 5, फिर 2। क्या कहा मैंने? सॉरी, यहां पे क्या है? 5,
तीन और दो, ये लिखा है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पांच से दो, दो से तीन और तीन से पांच। क्या है? पांच से दो, दो से तीन, तीन से पांच। या कोई पूछे तीन से पांच, पांच के बाद क्या आएगा? पांच के बाद क्या आएगा? पांच के बाद आएगा दो। कोई पूछे दो, दो से तीन, तीन के बाद क्या आएगा? तीन के बाद आएगा आपका पांच। चार नहीं आएगा यहाँ पे, ना ही छह आएगा, क्योंकि हम जिसका रोटेशन कराते हैं वो फलक एक दूसरे के आसपास होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक, तो दो से तीन, तीन से पांच, पांच से दो, क्लॉकवाइज घूमे कि ना घूमे? घूमे। चलिए इसके बाद, इसके बाद अगर हम बात करें और किनको हम घुमा सकते हैं, फिर देखिए, फिर हम किसको किसको घुमा सकते हैं, फिर देखिए, तीन से छह, छह से चार और चार से तीन। कुछ समझ में आया क्या हुआ? तीन से छह, छह से चार और चार से तीन, तो तीन, तीन छह और चार, तीन से चार, चार से छह, छह से तीन से छह, छह से चार और चार से तीन। ठीक, क्या हुआ? चार से तीन, तीन से छह, छह से चार, या छह से चार, चार से फिर तीन और तीन से फिर छह, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद, इसके बाद फिर कैसे घुमाएंगे हम? फिर घुमाएंगे हम चार से छह, छह से एक, एक से चार, क्या एक, चार और छह, एक से चार, चार से छह और छह से एक। क्या है? छह से एक और एक से चार और फिर चार से छह। ठीक, ये बातें समझ में आई आपको? चलिए इसके बाद फिर क्या बचा है? फिर क्या बचा? कौन सा रोटेट कराना है अभी? इसके बाद बचा है आपका, इसके बाद बचा है आपका पांच से चार, चार से एक, एक से पांच। क्या है? पांच, एक, चार, पांच से चार, चार से एक, एक से पांच। ये अभी आपको या तो सरल लग रहे होंगे या तो कठिन लग रहे होंगे। ठीक, या तो आपको सरल लग रहे होंगे या तो कठिन लग रहे होंगे, दो में से एक बात, लेकिन आधार यही है। ठीक, ओके, इसके बाद, इसके बाद कुछ और बन सकता है क्या? इसके बाद कुछ और बन सकता है क्या? एक, पांच, चार हो गया, इसके बाद चार, पांच, चार, तीन हो गया, तीन, पांच, दो हो गया, तीन, पांच, दो हो गया, और क्या बचा इसमें? चार, छह, तीन, चार, छह, चार, तीन, छह भी हो गया, और कुछ बचा? अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका सामने का डाइस पूरा घूम चुका है, ये जो सामने दिख रहा है डाइस आपका, ये डाइस आपका घूम चुका, यानी ये पूरी तरीके से रोटेट हो चुका। ये डाइस आपका रोटेट हो चुका। अब देखिए, अब जो बचा हुआ है डाइस हमारा, वो ये फ्रंट का हो गया डाइस, अब बैक का जो भी पीछे का साइड होगा इस डाइस का, उसको कैसे हम रोटेट कराएंगे? यानी कि एक, छह, दो, ये अभी बचे ना फलक, एक, छह, दो, ये फलक अभी बचे हैं। तो सपोज दैट ये आपका डाइस है, ये डाइस, ये डाइस है, ओके,
ये डाइस है, ठीक, ये हो गया आपका पांच, ये पांच हो गया, ये पांच हो गया, ठीक, ये चार हो गया, ये चार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तीन हो गया, ठीक, समझिएगा बात को, ये पांच हो गया, ये चार हो गया, ये तीन हो गया, ठीक, और ये जो नीचे का भाग है, नीचे का ये आपका छह हो गया, ये पांच हो गया आपका, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया, और ये क्या हो गया, ये छह हो गया, ठीक, ये छह हो गया। अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, इसको अगर मैं रोटेट कराऊं तो क्या आएगा, और देखिए ये दो हो गया, ये समझिए बात को, देखिए ये पांच हो गया ऊपर का हिस्सा, ठीक, ये हो गया चार, ये वाला भाग, ये सरफेस क्या हो गया, चार हो गया, फिर ये आपका तीन हो गया, हम ऐसे रखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पांच, ये हो गया तीन, ये वाला, और ये हो गया आपका चार, और नीचे का सरफेस हो गया आपका छह, ठीक, ये हो गया। अगर हम इसको रोटेट करें, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा, ये एरिया आपका हो जाएगा दो, क्या हो जाएगा, दो, ठीक, ये दो हो गया। लेकिन अभी जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन। बात समझ में आई, ऐसे तो पांच तीन चार छह दो एक, ये वाला एरिया, ये जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये एरिया निकल के आएगा, ठीक। मैं इससे समझाना क्या चाहता हूं, मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हम इसको पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, पीछे की तरफ जब हम इसको रोटेट करेंगे, अभी रोटेट करके दिखाता हूं, तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा वन, क्या बनेगा, वन टू फाइव, वन टू फाइव, वन टू फाइव, या टू फाइव वन, टू फाइव वन, वन टू फाइव और वन फाइव, फाइव वन और टू। देखिए क्या बताया मैंने, ये आपका दो हो गया, ये पांच हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और ये आपका एक हो गया। तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, तो पांच, ये पांच, जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे ना, तो पांच, इसके बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज, तो एक आएगा, ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा दो। ये मैं आपको डाइस का पीछे का भाग दिखाना चाह रहा, इमेजिन कराना चाह रहा हूं, ठीक। तो पांच ऊपर का एरिया हो गया, साइड में उसके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, लेकिन एक हमें दिख यहां पे रहा है, दिख हमें यहां पे रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, जो साइड में दिखता था हम उसी को रोटेट कराते थे, लेकिन अगर हम पीछे का नहीं कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पीछे का भी तो रोटेट कराना है, तो उसके लिए समझना पड़ेगा, ठीक। तो ऊपर का हिस्सा हो गया पांच, ऊपर का हिस्सा हो गया पांच, ये हो गया सामने का, ये सामने का हिस्सा है तीन, और ये बगल का हिस्सा है चार, ठीक। इसके बाद नीचे का हो गया छह, नीचे का क्या हो गया, छह हो गया, ठीक, नीचे का छह हो गया, और इसके बाद ये वाला भाग हो गया दो, और जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये वाला भाग हो गया एक, ठीक। इसके बाद हम पीछे रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, तो कैसे कराएंगे, पांच ऊपर है ना, पांच, पांच के बाद एक, सुई ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ऐसे, तो पांच, पांच के बाद एक, पांच एक, फिर क्या होगा, दो, दो पांच एक, पांच एक दो, दो पांच एक। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई आपको, एक दो पांच, पांच एक दो, एक पांच दो, दो पांच एक, दो एक पांच, दो पांच एक, ओके। चलिए इसके बाद क्या बचा, इसके बाद अब जब ये वाला रोटेट हो गया, इसके बाद नीचे वाले को रोटेट कराएंगे, वन टू वन, सिक्स टू वन को, सिक्स टू वन को, अब इसको भी समझ लीजिए, सिक्स टू वन को, सिक्स टू वन। अब देखिए
ये भाग हमारा छह, नीचे का क्या है छह है, छह हो गया। इसके बगल में क्या है दो हो गया, और इसके बगल में क्या है एक हो गया। तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो आपका छह दो एक, एक छह दो, दो एक छह, दो एक छह, दो एक छह, छह दो एक, ये है रोटेशन आपका। हमने इनको क्लॉकवाइज घुमाया क्या, कैसा क्लॉकवाइज। तो रोटेशन में आपका यही है, अगर आप समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ प्रश्नों की बात करते हैं इसी संबंधित रोटेशन, क्योंकि रोटेशन की जो भी बातें होनी थी मैंने इसमें बता डाली, अब इसमें रोटेशन से संबंधित कोई भी बातें बाकी नहीं रह गई हैं मेरी तरफ से। ठीक, तो हम थोड़े से प्रश्न देख लेंगे इसके कि कौन कौन से प्रश्न इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, इसमें से आपको या मैं पूछूं आपसे कि आप देख के बताएं इसमें कि पांच तीन के बाद क्या आएगा, पांच तीन के बाद क्या आएगा, पांच तीन के बाद क्या आएगा बताइए। अगर मैं इसको यहां से रेज कर दूं, मैं पूछूं आपसे कि पांच तीन के बाद क्या आएगा, पांच और तीन के बाद क्या आएगा, पांच तीन के बाद आपका क्या आएगा, पांच तीन, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, तो पांच तीन के बाद आएगा आपका चार, क्या आएगा। फिर पूछूं चार पांच के बाद क्या आएगा, चार पांच के बाद क्या आएगा, चार पांच के बाद आपका आएगा तीन। फिर मैं पूछूं तीन चार के बाद क्या आएगा, तीन चार के बाद आएगा आपका पांच। इसी तरीके से मैं पूछूं आपके पांच दो के बाद क्या आएगा, पांच दो के बाद क्या आएगा, तो पांच दो के बाद अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पांच दो के बाद आपका आ जाएगा तीन, क्या आएगा तीन आ जाएगा। फिर मैं पूछूं आपसे कि तीन पांच के बाद क्या आएगा, तीन पांच के बाद आ जाएगा दो, दो तीन के बाद क्या आएगा, दो तीन के बाद आपका आ जाएगा पांच। फिर मैं पूछूं कि चार तीन के बाद क्या आएगा, चार तीन के बाद हम इसको रोटेट कराएंगे तो चार तीन के बाद आपका आ जाएगा छह, और छह चार के बाद पूछूं क्या आएगा तो छह चार के बाद आएगा आपका तीन, और तीन छह के बाद चार, ये चार तीन के बाद छह, छह चार के बाद तीन, ये है रोटेशन। इसके बाद पूछूं अगर मैं कि एक चार के बाद क्या आएगा, एक चार के बाद क्या आएगा, एक चार के बाद क्या आएगा, ठीक, एक चार के बाद क्या आएगा, एक चार के बाद आपका आएगा छह, और इसके बाद प्रश्न आपके आ गए, एक चार के बाद क्या आएगा छह, और छह एक के बाद क्या आएगा, छह एक के बाद क्या आएगा, छह एक के बाद आपका आ जाएगा छह, एक के बाद आएगा चार। इसी तरीके से चार एक के बाद क्या आएगा, चार एक के बाद, चार चार एक, यहां से ये घूम गया तो यहां तक जाएगा पांच आएगा, पांच चार के बाद एक, एक पांच के बाद चार, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, प्रश्न नंबर पहला है आपका, चार पांच क्वेश्चन मार्क, और इसमें डायरेक्शन है, पासा एक मानक पासा है, ऑप्शन है पहला दो, दूसरा तीन, सी वन एंड डी फाइव। मानक कौन सा, सॉरी पासा कौन सा है आपका, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है आपका। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा डाइस होता है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस आपका वो होता है जिन
विपरीत फलकों का योग क्या होता है? जिन विपरीत फलकों का योग होता है आपका 7, वो आपका होता है ये स्टैंडर्डाइज। और जिन विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है वो हो जाता है आपका ऑर्डिनरी डाइस। तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि पासा एक मानक पासा है, तो हमें ये देखना है कि जो भी फलक आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जो भी फलक आएगा वो दिए गए फलक का योग 7 नहीं होगा। क्या कह रहा हूं, जो भी यहाँ पे फलक आएगा, जो भी यहाँ पे संख्याएं आएंगी, वो डाइस में दिए हुए फलक का योग 7 नहीं होगा। अगर 7 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी में पहुंच जाएगा, वो मानक पासा नहीं होगा। क्योंकि मानक पासा क्या होता है, और क्योंकि इसलिए भी नहीं होगा कि अगर यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो 5, 2, 7 यहाँ हो गया। अब और उसका स्टैंडर्ड का कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड डाइस का, कि विपरीत फलक का योग 7 होना चाहिए, और जो डाइस में एक दूसरे के आसपास या बगल में होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले दिन बताई थी। क्या बताया था, पहले दिन बताया था। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो 5, 2, 7 हो जाएगा, तो यानी कि 5 का विपरीत 2 हो, फिर 2 नहीं होगा। अगर 2 नहीं होगा तो फिर ये ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन दिए है कि हमारा ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं, यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूंगा तो 4, 3, 7 हो जाएगा। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अगर मैं 3 रख दूंगा यहाँ पे, तो 4 का विपरीत 3 होना चाहिए, 4 का विपरीत 3 होना चाहिए, किसके लिए, मानक पासा के लिए। तो हम 3 भी नहीं रख सकते, और अगर मैं यहाँ पे 5 तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि फलक में केवल 6 सदस्य होते हैं, क्योंकि 5 आ चुका है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 आंसर इसका करेक्ट वन, आंसर नंबर सी इज करेक्ट वन, एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की, चार 3, ये भी एक क्या है, मानक पासा है, कंडीशन दिए हुए हैं निर्देश में, ओके। और इसके ऑप्शन है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहां पे, ठीक। और ऑप्शन है 1 या 2, सी 1, 2 या 5, एंड डी 1, 2, 5 या 6। सॉरी, यहाँ पे जो है दूसरे हैं दिए हुए, 2 और 6 दिया हुआ है। ऑप्शन सही है, ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन है आपके पास 1 या 5, सॉरी 5 या 1, 1 या 2, 4 या 3, 2 या 5, ये ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है। तो ये क्या है, मानक पासा है। आपको पता है मानक पासा की सारी कंडीशन, सारी शर्तें मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था, ठीक ठीक। तो यहां पे क्या क्या आ सकता है, अगर मैं यहां पे 4 रख दूं, पहले ऑप्शन सही करते हैं, अगर मैं यहां पे 5 रख देता हूं, मान लीजिए 5 पहला ऑप्शन रखता हूं, 5 या 1 रखता हूं, कुछ भी रखते हैं, 5 या 1 रखते हैं, तो 5, 2, 7 हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड खत्म, यानी कि ये ऑर्डिनरी में चला जाएगा सीधा सीधा। अगर मैं यहां पर 5 रख दूं
तो चूंकि ऊपर दिया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा सपोज दैट, तो 5 2 7 हो जाएगा। अगर 5 2 7 हो जाएगा तो ये स्टैंडर्ड डाइस कहाँ रहा, डाइस कहाँ रहा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस कहाँ रहा, फिर 5 रख दूंगा, ठीक है 5 नहीं रखता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो 6 1 7 हो जाएगा, फिर भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। या मैं 1 रखता हूँ तो 1 वाला हो ही नहीं सकता, 2 रखता हूँ तो जब 1 हो नहीं सकता तो ये 2 हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4 2 6 ठीक, और 6 4 10। या मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, क्योंकि 4 या 3 है ना, कुछ भी हो सकता है, 4 अगर हम ये रख दें यहाँ पे तो, या तो मैं 4 रखता हूँ तो 4 2 6 हो जाएगा, या मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 6 3 9 या 3 2 5, यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस की शर्तों को पूरा करता है। यहाँ पे इनके योग नहीं हो रहा है 7, अगर 7 योग नहीं हो रहा है तो उनके विपरीत फलक का योग 7 होगा, ठीक। इसके बाद ठीक है ये हो गया, इसके बाद डी नंबर को अगर हम चेक करेंगे, तो डी को अगर हम चेक करेंगे तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाए, ठीक। अगर मैं 5 रख दूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँगा 5 2 7, ये तो हो ही नहीं सकता, अगर 5 हो नहीं सकता तो 2 भी नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4 या 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 या 3, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1 या 2, ऑप्शन नंबर सी 1 2 या 5, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 2 5 या 6। देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिए हुए है, कोई भी निर्देश नहीं दिए हुए है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी निर्देश नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दिया हुआ डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है, जनरल है, सिंपल है, कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम ये चेक करें कि हमारा डाइस कैसा है, दिया हुआ डाइस हमारा कैसा है, तो आप अगर देखेंगे तो 4 3 7, अगर 4 3 7 हो रहा है इसका मतलब कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, साधारण डाइस है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो यहां पे 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 या 2 भी आ सकता है, 1 2 5 भी आ सकता है, और 1 2 5 व 6 भी आ सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर इसमें डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर हम 1 भी रख देंगे, 2 भी रख देंगे, 5 भी रख देंगे, 6 भी रख देंगे, या कंडीशन में दिए हुए कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे दिए हैं, सारे रख सकते हैं, इनको भी रख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। चलिए
तो आप लोग क्लास आज यहीं तक रहेगी और आज कुछ प्रश्नों के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूं अपनी क्लास को, और कल हम इसके आगे एक प्रश्न देखेंगे जो मैंने यार रोटेशन समझाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या है इसका काम, जो हमने इतनी देर तक समझा इस रोटेशन को उसका काम क्या है। मैंने तो प्रश्न सॉल्व कराए जो थोड़े से बेसिक टाइप के थे, और कल हम रोटेशन से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पहले सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद।